हेलो एवरीवन, तो आज के सेशन में हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इस चैनल पे अभी मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता दिए और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो आज उसी कड़ी में जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होगा। तो आपके पास एक ट्रायंगल है, देख लीजिए, आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। एबी का वैल्यू आपका एक्स है, बीसी का वाई है और एसी का जेड है। साथ ही साथ एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये कंडीशन दिया गया और पूछ रहा है ये किस प्रकार का ट्रायंगल है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बताइए आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है, तीसरा है स्केलिन ट्रायंगल है और चौथा राइट एंगल ट्रायंगल है। ९९% बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें इसका वैल्यू एक्स है, इसका वैल्यू वाई है, इसका वैल्यू जेड है और साथ ही साथ एक कंडीशन की भी बात हो रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो कह रहा है किस प्रकार का एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलिन, राइट एंगल ट्रायंगल। आप वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए तो मैं अब डिस्कस करते रहा हूं, कंडीशन के साथ चलते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यहां तो आ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, यही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब क्या करेंगे कि ये जितना टर्म है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को हम इधर ले आते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू जीरो, इतनी सी बात समझ पाए हो। थोड़ा और इसमें हम ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं देख लो, दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा, टू से मल्टीप्लाई हो गया मतलब एक्स स्क्वायर दो बार है, वाई स्क्वायर दो बार है, जेड स्क्वायर दो बार है। हम क्या कोशिश करेंगे इस प्रकार के पैटर्न पे, हमेशा या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे लाने की कोशिश करेंगे या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे लाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एलजेब्रा का एंट्री हो गया है, आशा करते हैं कि आपको इतना एलजेब्रा बुझाता होगा। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है और एक बार वाई स्क्वायर को लिख दो, ठीक है। देखिएगा एक बार एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिखा गया जबकि एक्स स्क्वायर दो बार है। अब देखिए एक बार वाई स्क्वायर लिखा गया यहां और एक बार जेड स्क्वायर लिखा गया, तो अभी क्या क्या बच रहा है, एक बार जेड स्क्वायर बच रहा है और एक बार एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो देखिए आप ध्यान से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए दो बार एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक बार एक्स यहां आ गया, एक बार एक्स यहां पे आ गया, क्लियर है। एक बार वाई यहां पे आया, एक बार वाई यहां पे आया, एक और जेड यहां पे आया, एक और जेड यहां पे आया, तो देखो टू एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर टू जेड स्क्वायर, क्लियर है। इस पैटर्न पर लिखने की क्या फायदा होगा आपको आगे पता चलेगा। अब देखो टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई टू वाई जेड माइनस टू वाई जेड और टू जेड एक्स इक्वल टू कितना होगा जीरो, ठीक है, इतना बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो यार तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई एक साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एक साथ लिखा गया, ठीक है। फिर देखो इसको इसके साथ मिला के लिखो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, इसको इसके साथ मिला के लिख दिए, ठीक है। अब इधर मिटा दे रहा है ये ऑप्शन, स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
को माइनस टू जेड एक्स के साथ मिला दिए, आई इक्वल टू जीरो लिख दिए। क्या फायदा हुआ गुरुजी? देख लो ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। आप देखोगे ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, क्लियर है। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है, और ये किसका फॉर्मूला है, ये जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। क्या कुछ बुझाया? बुझाया होगा। अब देखो ये पार्शियली से आप जान लो कि ये भी इसके बराबर, आप ये जान जाओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए इसके भी जीरो, ये भी जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर। तो आप ये हमें यहाँ पे देखोगे कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर भी जीरो के बराबर, तो यहां से निकल जाएगा एक्स बराबर वाई, ठीक है। वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर भी जीरो के बराबर, तो यहां से निकल जाएगा वाई बराबर जेड, और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी जीरो के बराबर, तो यहां से निकल जाएगा जेड बराबर एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स वाई के बराबर, वाई जेड के बराबर और जेड एक्स के बराबर, डेट मीन्स कि एक्स वाई जेड तीनों आपस में बराबर हैं। ये एक्स वाई जेड तीनों आपस में बराबर है, हमने अभी एक कंडीशन से ये फाइंड आउट किए। तो अभी एक कंडीशन से आया कि x बराबर y, y बराबर z, z बराबर x, मतलब मैंने कंडीशन फाइंड आउट किया कि x बराबर y बराबर z, डेट मीन्स कि कोई भी ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में बराबर है तो किसका कंडीशन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन है, समझ गए। तो ये कंडीशन के साथ ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यही आपका सही जवाब होगा। तो अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के कुछ और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। देखो यार, पहला कोशिश आप करो, ठीक है, पहला कोशिश आप करो। अगर कोशिश करोगे, थोड़ा बहुत भी कोशिश करोगे, तो फायदा होगा यार आपको, ठीक है। आप कोशिश करो, कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हो, इसके पहले मेरा वीडियो नहीं देखे हो, तो आप वीडियो, इसके पीछे जितना भी वीडियो है, आप सबको देख लो, ठीक है, फायदा करेगा। देखो क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए फिगर हम बनाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। देखिए देखिए PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चलिए बात सही है। तो इन द फिगर सोन PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद PQ इक्वल टू PR, एकदम लाइन बाय लाइन PQ PR के बराबर, ये लाइन के बराबर है। मतलब एक कंडीशन तो ये है कि PQ जो है PR के बराबर है। ये बात इतना लिखना नहीं, हम आपको समझाने के क्रम में ये बता रहे हैं। S इज ए पॉइंट ऑन QR, S जो है एक पॉइंट है QR पे, चलिए S एक पॉइंट है QR पे, तो इसको इससे मिला लो यार, थोड़ा सा मिला लिए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। S इज ए पॉइंट ऑन QR, मतलब आपको यहां तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। सच डेट PS, जो ये PS है, ये PS, सच डेट PS इक्वल टू PT, मतलब ये है कि इसको PS इक्वल टू PT कह रहा है। डेट मीन्स क्या कि एक ये लाइन T, मान लो ये T लाइन है, दिया हुआ PS इक्वल टू PT, ठीक है, इसको इसे मिला लो। अब जब मिलाने से फायदा होगा, PS इक्वल टू PT कह रहा है, मतलब यहां पर ये जो लाइन है PS इसके बराबर है। अब ये देखो तीनों बराबर नहीं है, PT तो इतना ही है ना यार। पहला में हमको कहा गया ट्रायंगल में क्या कि PQ जो है PR के बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये भी एंगल आपका अल्फा होगा, ठीक है, ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी एंगल अल्फा होगा। और इसमें कह दिया गया कि ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, मतलब ये बिकता है तो ये भी बिकता होगा, समझ पा रहे हो। और क्वेश्चन में दिया गया ये एंगल 30 डिग्री है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है और सब एंगल रिप्रेजेंटेशन आपको हम समझा दिए कि अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, ये दोनों पी एस टी में PS बराबर PT है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हुआ। अगर ये अल्फा और ये 30 डिग्री, तो इसका मतलब अगर ये बीटा तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 बीटा होगा,
सिर्फ ये एंगल, ये वाली एंगल 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, और ये कितना है 30, ये अल्फा, ये अल्फा। तो पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये तो पता होगा कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो देखो ये एंगल टोटल कितना है 30 डिग्री प्लस 180 माइनस 2 बीटा, लिख दिए 30 डिग्री 180 माइनस 2 बीटा, फिर देखो प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू कितना 180 डिग्री। कोई परेशानी नहीं, देखो 180 से 180 कैंसिल हो गया और 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2 अल्फा, ये देखो आपका बचा क्या 30 डिग्री माइनस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू कितना 0। अब देखो 2 अल्फा उधर जाएगा 2 बीटा उधर जाएगा, तो देखो 2 बीटा माइनस में था प्लस में आ गया, माइनस 2 अल्फा इक्वल टू कितना 30 डिग्री, तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। देख लो यहां से क्या बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू जो 15 डिग्री लाए वो आपको समझ में आ रहा है क्या, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री आया 15 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, आपको तो निकालना है ये एंगल, ये एंगल निकालना है, फाइंड आर एस टी मतलब एस निकालना है आर एस टी। अच्छा इस फिगर को थोड़ा सा बाहर कर दो, यहां दिख रहा है ना, चलो इस फिगर को थोड़ा सा ये वाली फिगर, ये वाली फिगर आर एस टी, तो देखो आर ठीक है एस और ये है आपका टी, इसी प्रकार से ना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जिसमें ये अल्फा है और ये आपका बीटा है और ये एक्स है। तो देखो एक ट्रायंगल में एक साइड बाहर निकला हुआ है, एक साइड बाहर निकला हुआ है जिसमें कहते हो कि जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर है। इसका मतलब बीटा जो है, बीटा जो है यहां से ध्यान दीजिएगा, बीटा जो है क्या एक्स प्लस अल्फा के बराबर नहीं है इस क्वेश्चन में, इस स्लाइड में बीटा जो है एक्स प्लस अल्फा के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है मेरे भाई, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो बीटा इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, तो एक्स निकालना है, एक्स क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, मतलब ये वाली जो है वैल्यू वो बीटा माइनस अल्फा है, बीटा माइनस अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हमने क्या रख दिया 15 डिग्री रख दिया, इसका मतलब ये भी 15 डिग्री ही आ गया आंसर है। नहीं समझ में आया होगा आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, बनाने का फिर से कोशिश कीजिएगा, बार बार इसको देख लो यार, यही तो फायदा है ऑनलाइन में, ठीक है हम चार बार पांच बार एक ही चीज को नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, देख लो पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो, बनाने का कोशिश कर लो, ठीक है। देखिए अब हम बनाते हैं, कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एबी जो है एसी के बराबर है, अगर एबी 17 है तो एसी भी आपका 17 होगा, और एडी का वैल्यू 15 है, सीडी का वैल्यू 4 है और बीडी का वैल्यू 1 है। बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मान लो ये अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा क्या, ठीक है ये अल्फा होगा। अच्छा एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में ए बी डी में और एक और पूरा, या फिर ए बी डी में नहीं तो ए डी सी में कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा क्या पूरा ए बी सी में भी होगा क्या। तो अगर हम कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, अब देखो आपको पता है ना कि अगर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहां से अगर अल्फा या ए का मान निकालना चाहते हो कॉस ए का, तो पता है ना क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी, ठीक है। आप सोचोगे कि सर ये तो हमको आता ही नहीं है, आएगा कैसे, साक्षात इसी वीडियो में तो तुम प्रकट हुए हो, ठीक है सारा वीडियो पीछे का देखो यार। अब देखो यही फॉर्मूला है, देख लो। तो अगर हम, अगर हम ए डी सी में कॉस अल्फा निकाले, तो देखो अल्फा के सामने वाला माइनस में होता है बाकी सम, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और बाकी सामने वाला माइनस 15 का स्क्वायर बाई 2 गुने 17 गुने 4। अरे बात समझ पाए, ठीक है। और यही कॉस अल्फा तो पूरा बड़ा वाला एंगल के लिए भी, एबीसी के लिए भी, तो अल्फा के सामने 17 अभी माइनस में चला जाएगा। डेट मीन्स क्या हुआ कि
यहाँ पर कॉस अल्फा, तो एक बार देखो, एक बार 17 का होल स्क्वायर आ गया, एक और x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया, और एक और फिर से 17 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। या फिर इसमें भी, इससे भी निकाल सकते हो, पूरा ए बी सी ना करके ए बी डी में भी आ जाओगे, कैलकुलेशन आसान होगा ए बी डी से तुम चलोगे तो। ए पूरा में भी चल सकते हो, लेकिन ए बी डी में भी चल सकते हो, दोनों तो कॉस अल्फा बराबर ही है। तो देखो यहां से कॉस अल्फा, तो 17 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर बाई 2 गुने 17 गुने एक्स, बात समझ पाए। आप पूरा ट्रायंगल में भी चल सकते हो, कॉस अल्फा तो पूरा ट्रायंगल के लिए भी है और छुटका छुटका बचा वाला ट्रायंगल के लिए भी है, तो दोनों बचा वाला ट्रायंगल को ही इक्वल कर दिए ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान रहे। अब बताओ इसको कैलकुलेट करके तुम एक्स का वैल्यू नहीं निकाल दोगे, हा? तुम्हारा अपना फ्यूचर का वास्ता, वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो, आंसर लाओ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, चलिए आगे। तो अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, थोड़ा बैक में चलते हैं, और आज तक हम जितना भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, जितना भी एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम जानते हो, लिखो, वीडियो पॉज करके लिखो, तो तुम कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख सकते हो। चलिए अब हम भी लिखने का कोशिश करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देख लो मजेदार चीजें हैं, ठीक है, आपका जानकारी के लिए, कि आप कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हो। वीडियो पॉज करो और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से लिखो ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हम लिखते हैं पहला फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। चलो ये तो बच्चा वाला तो सब जानता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलो दूसरा, दूसरा अगर हम जाने अस्केलिन ट्रायंगल, अगर अस्केलिन ट्रायंगल की बात करते कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए इतना आपको पता है, ये दो फॉर्मूला आपको पता होगा। फिर तीसरा, अगर इसी में अगर थीटा ये है, थीटा है, तो आपको बताया थे तीसरा फॉर्मूला हाफ ए गुने सी, ए गुने सी, और ये साइन थीटा, ये तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है, ये सब बताया हुआ है। चौथा फॉर्मूला में आइए, चौथा फॉर्मूला क्या है, डेल इक्वल टू आर इंटू एस। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर डेल इक्वल टू आर इंटू एस, तो डेल का इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आर मतलब इन रेडियस, ये क्या है, इन रेडियस है, इन रेडियस, और ये एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ये एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो ये भी तो एरिया का फॉर्मूला है कि अगर इन रेडियस दिया रहे, सेमी पेरीमीटर दिया रहे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो। पांचवा, डेल इक्वल टू ए बी सी बाय 4 आर। अब आर ए बी सी क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, और आर क्या है, सर्कम रेडियस, ये भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब छठा फॉर्मूला, रूट थ्री बटा 4 ए स्क्वायर, ये सब सब जानना है, रूट थ्री बाई 4 ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है कि नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला रूट थ्री बाई 4 ए स्क्वायर। और अब जो सातवां जो पढ़ रहे हो, यहाँ पे आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, सातवां, सातवां फॉर्मूला यहाँ देख लो आप, यहाँ पे अब आइसोसेलस ट्रायंगल का पढ़ रहे हो, तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल का मैं पिछले वीडियो में ही चर्चा किया कि आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, कि अगर आपके पास ये ए है, ये ए है और ये बी है, तो बी बाई 4 अंडर रूट 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है एरिया का फॉर्मूला। तो ठीक है, एरिया, इतना एरिया का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का जानते हो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल का ये ए है, ये बी है और ये 90 डिग्री, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए गुने बी, ठीक है। तो ये कितना फॉर्मूला हो गया, ये आपके पास 8 फॉर्मूला हो गया, 8 बेसिक फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो नेक्स्ट, तो आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया, ठीक है। अभी अभी मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया, आइसोसेलस ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चंस बताया। अब आपके पास दो कॉन्सेप्ट एक आइसोसेलस ट्रायंगल का और है, कि अगर एक ए बी सी आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें बताया गया ए बी जो है ए सी के बराबर है,
और बी कोई पॉइंट है बीसी पे, कोई भी पॉइंट है बीसी पे, तो आपके पास कंडीशन है कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। ये एकदम कंठाग्र कर लीजिए, ये प्रूफ भी हो सकता है। क्लास टेंथ का बुक निकालिए, क्लास टेंथ का बुक निकालिए जिसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको प्रूफ कर देना और नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा है कि एबीसी एक आइसोसेलस ट्रायंगल, इसमें एबी जो है एसी के बराबर है और बीडी जो है परपेंडिकुलर है, बीडी जो है परपेंडिकुलर है, तो कॉन्सेप्ट है बीडी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू टू सी डी इंटू एडी। ये मैं आपको क्लास टेंथ का बुक से लिए ताकि इसलिए बता दिए कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पैटर्न छूट न जाए, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं आपको काफी कुछ बताया, और जो जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाले तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये मोड़ोगे तो यहां से अगर यहां से ये वाली मोड़ोगे तो इस पे आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम होंगे, ठीक है, सर्वांगसम होंगे तो इसका बेस भी एक होगा, हाइपोटेनियस भी एक होगा, हाइट भी एक होगा, तो कॉन्ग्रुएंट होगा, हो गया। मतलब यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर है आइसोसेलस ट्रायंगल में, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट होता है, बात समझ गए, यही इंपॉर्टेंट है आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और स्केलिन ट्रायंगल, देखो सब ट्रायंगल जो इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलस नहीं है, तो स्केलिन हम लोग बहुत ज्यादा स्केलिन ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, तो अगर उसमें आ गया कि सब साइड बराबर है तो वही एस्केलिन ट्रायंगल जब सब साइड बराबर हो जाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, दो साइड बराबर हो जाएगा तो आइसोसेलस ट्रायंगल होता है, बात समझ गए। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा वो क्वेश्चन पे होगा, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा एक बात और कि आप अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।